अरे दादा, हेलो, हाँ माधुरी जी, नमस्ते। शादी मुबारक हो, शादी मुबारक हो। कैसी, मैं यहाँ पे नहीं था भाई साहब। एक मिनट था, एक्सक्यूज मी, वन मिनट। क्या है, क्या स्कोर है? स्कोर? अबे ये ट्रांजिस्टर है, मोबाइल फोन है, चल भाग। मैं यहाँ पे नहीं था, नहीं तो मैं जरूर आता। 1000 फूलों का गुलदस्ता लाता। नहीं एक्सक्यूज मी भाई साहब, जरा सुनिए तो मेरी बात। क्या है ये, मेरे पास 500 का नोट है, जरा असली है नकली आप बता सकते हैं? यार तूने मुझे क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समझ के रखा है? चल भाग भाग। अच्छी बात है। मैं तो ये छोड़िए, डॉक्टर ने, डॉक्टर साहब को कैसा लगा हमारा हिंदुस्तान है? अच्छा बात है, वेरी हैप्पी फॉर यू मैडम। अरे स्कोर बाद में सुनिएगा भाई साहब, प्लीज। एक मिनट, प्लीज भाई, मैं 5 मिनट में फोन करता हूँ। क्या है ये 500 का नोट है, असली है नकली, जरा आप बता सकते हैं प्लीज? अरे भैया बहुत ही आसान तरीका है, उसे फाड़ो, अगर नोट फट गया तो नकली है और नहीं फटा तो असली है। क्या आइडिया भी है, वाह यार ग्रेट। अच्छा। एक काम कीजिए ना, आप ही फाड़ के दिखाइए ना। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं फाड़ लीजिए ना। अच्छा फाड़िए, पकड़ ले, नकली है ये, तेरा ही नोट था। स्टूपिड इडियट, नॉनसेंस। मेरा नोट था? काम नहीं आती मोबाइल से माधुरी दीक्षित से बड़ी बड़ी बातें करता है और जेब में नकली नोट रखता है। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तूने, आइंदा असली नोट रखना। सॉरी अजय, मेरा ही नोट था, मैंने अपने हाथों से फाड़ दिया। एक ही बचा था, वो भी फाड़ दिया। ए सिरकुट गुरुजी, गुड इवनिंग गुरुजी, जरा 50 रुपए देना। दारू पीना है? अरे नहीं नहीं, क्या बात करते हो, मैं और दारू? अरे नहीं नहीं, पर दवाई के लिए 50 रुपए, सिर्फ दवाई के लिए। दारू के लिए पैसा नहीं मिलेगा? अरे कैसे नहीं मिलेगा, मैडम तो देती थी मेरे को। तो मैडम से मांग ले। अरे मैडम से मैं कैसे, मैडम को कहा तो मैडम ने कहा आपसे ले ले। ए, दारू के लिए पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ दारू बंदी है। दारू बंदी तो फिर काम बंदी, ताला लगा दूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तू इंकलाब कर या मुर्दाबाद, तुझे पैसा नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा गुरुजी, जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल लगता है ना, वैसे मुझे चलाने के लिए दारू लगती है। अगर मुझे दारू नहीं मिलेगी तो मेरा चक्का जाम हो जाएगा गुरुजी। मुझे जाम चक्का खुलना आता है। मुझे नहीं करनी नौकरी, मेरा हिसाब कर दो, हिसाब। Hey, मेरा हिसाब कर दो बस। तू ऑलरेडी 2000 रुपए एडवांस ले चुका है। अरे फिर तो फिर मेरे प्रोविडेंट फंड का क्या, ग्रेच्युटी बोनस उसका क्या भैया? ये प्राइवेट गैराज है, सरकारी दफ्तर नहीं, पैसा नहीं मिलेगा। हाँ तो फिर मैं यूनियन में जाऊंगा। तू यूनियन में जा या में, नो वर्क नो पे। अरे लात मारता हूँ ऐसी नौकरी को, उससे पहले मैं तुझे एक लात मारूंगा। जब तक दारू नहीं छोड़ेगा यहाँ आना नहीं। अरे नौकरी छोड़ सकता हूँ, दारू नहीं छोड़ सकता हूँ, यहाँ आकर सब तोड़ डालूंगा। तू जाता है या? तो शेखू, तुम्हारे डैडी बहुत हैंडसम है, उनको क्या पसंद है? वो मेरे डैडी नहीं है, गॉडफादर है। तुम्हारे मम्मी डैडी? खुदा के पास है। सो सैड, आई एम सॉरी। एक बात बताओगे? तुम्हारे कबीरा की फैमिली है? नो फैमिली। यू मीन अकेला है? हाँ। शेखू एक बात पूछूं? क्या? मेरे से शादी करेगा? बोल ना। मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। धन, मैं तुम्हारी नहीं कबीरा की बात कर रही हूँ। तो कबीरा से जाके पूछो ना। करेक्ट। अब तो कबीरा को प्यार का चॉकलेट खिलाना ही पड़ेगा। कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक मच्छर पूरे आदमी को बना देता है, और एक वोट जो है वो पूरी सरकार को गिरा देता है। ये एक कीला देखिए मेरे लिए क्या चमत्कार करता है। ये तो पंचर हो गया। अरे झूले लाल हो गया बुरा हाल। आपके साथ तो हमेशा गड़बड़ होती है, पिछली बार आपको डिसेंट्री हुई थी उस वक्त आपने पूरा प्रोग्राम पंचर कर दिया था। बड़ी अब क्या होगा डार्लिंग? अरे डार्लिंग वही होगा जो हमें मंजूर होगा। बड़ी साईं तू है कौन? अरे भेणा ये मत पूछो कि हम आपके हैं कौन, ये जानो
यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब किसी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो उसका ड्राइवर चीख चीख कर पुकार पुकार कर एक ही नाम को पुकारता है, चतुर्भुज कहाँ है, चतुर्भुज किधर है, चतुर्भुज। अरे भेड़ा तुम्हारे सामने खड़ा है, उधर किधर देखता है। तो चलो जल्दी जल्दी टायर चेंज करो, 500 रुपए लगेंगे। बड़ी चेंज करने का 500 रुपया, बड़ी लूटता है हमको। अरे भेड़ा ये कार का घर के अंदर रहता बीवी नहीं है जो आसानी से चेंज हो जाए। क्यों बीवी जी? मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। ये भी आपका? शट अप। देखो जल्दी जल्दी टायर चेंज करो नहीं तो मेरा हस्बैंड आ जाएगा। अरे भेड़ा क्या सोचता है, जल्दी जल्दी निकाल नोट, इसका हस्बैंड आ जाएगा तो तेरा बैंड बजा देगा। ये लो 500 रुपया, बड़ी कुछ कंसेशन करो। नहीं अरे कंसेशन, अच्छा ठीक है सेल टैक्स मत देना। सर गाड़ी तैयार। थैंक यू वेरी मच। चल मेरी में मेरी डार्लिंग। अब आएगा मजा। एक किला ने इस कड़के की कड़की दूर कर दी। 500 रुपए, 500 रुपए की देसी दारू पियूंगा, देसी मुर्गा खाऊंगा और पूरे शहर की गाड़ियों के टायर पंचर कर दूंगा। अरे भाई कितनी बार बोला भैया ये अभिमन्यु नहीं है, ये कबीरा है, कबीरा। अरे मेरे बाप, जो तुम्हारा कबीरा है वो मेरा अभिमन्यु है। मुझे बता बताओ वो कहाँ रहता है? बताता हूँ। ओ, दारू मत पियो, पहले ये बताओ कहाँ रहता है वो। अरे दारू नहीं पीऊंगा तो बत्ती कैसे जलेगी, बत्ती नहीं जलेगी तो आपको पता कैसे बताऊंगा। अरे बेहोश होने से पहले तुम्हारे कबीरा का पता तो बता दो। मैं उड़ रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ उड़ो, उड़ दूर जो हम उसके यहाँ पहुँच जाएंगे। कोई फायदा नहीं है दारू पिलाने का, कुछ नहीं हुआ, शेरनी लगा। अब मालूम नहीं कबीरा को कहाँ ढूंढूंगा मैं। कबीरा तेरे कितने रूप, कहीं छाओ तो कहीं धूप। 12:12। नमस्ते जी। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ काम पर काम करो, काम करो जाओ। देखा ये ले और निकल ले चल। ये क्या भाड़ा पूरा 30 रुपया है? अबे कल उठ के तू 300 रुपए मांगेगा, मैं तुझे 300 दूंगा। चल तेरे मीटर में गड़बड़ है, चल निकल ले, निकल निकल। भंकस नहीं, पूरा पैसा दे। अबे तू चतुर्भुज को भंकस बोल रहा है? मैं भंकस कर रहा हूँ, तेरे मीटर में गड़बड़ है, चल गियर बदल और निकल ले। मेरे मीटर में गड़बड़ नहीं, तेरे दिमाग में गड़बड़ है। अच्छा पकड़, एक ही मिनट पकड़, अभी तुझे बताता हूँ किसके दिमाग में कितनी गड़बड़ है। ये जानता ना ये क्या है? मोबाइल है, मोबाइल। तो तू क्या कर लेगा? अभी बताता हूँ क्या कर लूंगा। हाँ हेलो आरटीओ, जरा जगन्नाथ जी को देना। जरा मेरी बात सुन। जगन्नाथ कौन है? मेरा साला है, मेरा साला चीफ ऑफ आरटीओ। तेरा ऑटो जब्त हो जाएगा, बारिश के अंदर पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, 6 महीने के बाद तुझे मिलेगा। हेलो जगन्नाथ, एक मिनट। हाँ क्या है भाई साहब? ये बैग पकड़ लिया, ये 10 रुपए पकड़ लाइए, मुझे माफ कर दिया, मुझसे गलती हो गई है, मैं चलता हूँ साहब। पहले से बोल रहा था काय को शान पट्टी कर रहे। नहीं मिस्टेक हो गया, मिस्टेक, सॉरी बोलता है, सॉरी बोले। सॉरी सर। हाँ चल निकल ले, पतली गली पकड़ के निकल ले। ये कौन है? ये तो चतुर्भुज है, यहाँ का हेड मिस्त्री। ये बहुत अजीब पिस्टन है। क्या मतलब? बस देखते जाइए, ये तो आइटम है, आइटम। भागा दुम दबा के भागा, एक साला नकली फोन, एक नकली फोन आदमी को साला कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। हाँ अनिल कपूर जी, हाँ परसों शूटिंग है। नहीं नहीं पेमेंट मिल जाएगा। हाँ हाँ ओके ओके अनिल जी, थैंक यू। भाई साहब आप भी मेरे जैसे हैं? मतलब? मेरा मतलब है कि ये असली है या नकली है? असली है। अच्छा भाई साहब दो सिगरेट देना। ये तो असली है और मेरे पास नकली, क्यों ना ले लूं। जा अरे मेरा मोबाइल भाई साहब, वो आदमी ओरिजिनल मोबाइल फोन। अब मैं माधुरी दीक्षित से वाकई में बात कर सकता हूँ। हेलो चतुर्भुज स्पीकिंग। लुच्चे लफंगे चोर मेरा फोन चुरा लिया। हाँ लुच्चे लफंगे
इस चोर ने तेरा फोन चुरा लिया, क्या कर लेगा तू? मैं कुछ नहीं करूंगा, अब तू ही करेगा। चिल्ला बच्चे, बहुत चिल्ला, और भी चिल्लाएगा जब तेरा बिल आएगा। अबे सुन, तेरे हाथ में जो फोन है वो फोन नहीं, तेरी मौत है मौत। उस मोबाइल के अंदर बम है। क्या बोला? तू फोन बंद करेगा तो बम फटेगा, और फेंकने की कोशिश करेगा तो भी बम फटेगा, समझे? तो मैं क्या करूं भैया, मैं क्या करूं? चुपचाप पुलिस स्टेशन जा और फोन पुलिस के हवाले कर, समझे? हेलो, हे भगवान, फोन बंद करूंगा तो भी फटेगा और फेंकूंगा तो भी फटेगा। वाकई मेरा बैड लक बहुत खराब है, अब क्या करूं? पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, बम, मेरे हाथ में बम है। अरे अंधा कानून, कैसे हो? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। कानून की आंखों के सामने से पट्टी हट चुकी है, अब कानून देख सकता है सरकार। अच्छा अच्छा, तो लोन के पैसे से आंखें और ये मोबाइल फोन मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि अब कानून अंधा नहीं रहा। लेकिन कानून की जान को बहुत बड़ा खतरा है सरकार। अरे डरो मत, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। अरे सिर्फ मुझे नहीं, पूरे पुलिस स्टेशन को खतरा है, क्योंकि मेरे हाथ में जो मोबाइल फोन है ना, वो मोबाइल फोन नहीं है बल्कि एक बॉम्ब है। बॉम्ब, मुझे छोड़कर, ए अंधा कानून, रुक जाओ, जरा भी हिलने की कोशिश की तो बॉम्ब छोड़ा दूंगा। डरिए मत साहब, इसमें कोई बॉम्ब नहीं है, ये मेरा मोबाइल है, इस लुच्चे ने मेरा मोबाइल चुराया है, क्या? इसलिए मुझे ड्रामा करना पड़ा। इसमें बॉम्ब नहीं है, हाथ नीचे कीजिए, बॉम्ब नहीं है, बच गए। अच्छी बात है, आपको अपना मोबाइल आपका गम। अंधे, तूने फोन चुराया, पूरे पुलिस स्टेशन को हिलाया, अब मैं तेरी अच्छी तरह बैंड बजाऊंगा, ये देख कानून का डंडा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, देखा ऐसा ही है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चलते हुए रास्ते पर कोई भी चीज दिखाई दे तो लालच में आकर उसे उठा मत लेना, वाकई में अगर वो बॉम्ब निकला तो आप उड़ जाओगे, नहीं तो आपका हाल मेरे जैसा होगा। निकलो, चलिए, अबे अंदर जा, चल चलिए, चलो अंदर। कानून, अभी मिल्क का दूध और वाटर का पानी हुआ जाता है, इन्हें आस कीजिए सर, इन्हें कौन सी वेजिटेबल्स अच्छी लगती थी? हाँ, इसे ये पूछिए कि वो कौन सी सब्जी थी जो इसे अच्छी नहीं लगती थी। नहीं, बीबीसी, तुम ये सवाल पूछ रहे हो, फिर भी बता देता हूं, मुझे बैगन पसंद नहीं है, आलू पसंद नहीं है, भिंडी पसंद नहीं है, गोभी पसंद नहीं है, इसका मतलब यह कि मुझे कोई सब्जी पसंद नहीं है सिवाय एक के। कौन सी? गोल गोल, छोटे छोटे, हरे मोतियों जैसे दाने, मटर। करेक्ट सर, बिल्कुल राइट बोल रहा है ये। अगर तुम राजू हो तो तुम्हें याद होगा कि एक बार तुम गिरे थे और काफी चोट आई थी। कहां से गिरे थे? साइकिल से, घोड़े से, पेड़ से, या फिर सीढ़ियों से? ए, हट! ना पेड़ से, ना घोड़े से, ना सीढ़ियों से, मैं बीबीसी के कंधे पे खड़ा होकर सर्कस दिखा रहा था, वहां से गिरा था। करेक्ट, ये बिल्कुल राइट बोल रहा है सर। चोट लगी थी तो निशान भी जरूर होगा, दिखाओ दिखाओ। अरे देख क्या रहे हो, दिखाओ दिखाओ। क्या जमाना आ गया है कि सच को सबके सामने नंगा करना पड़ रहा है। ओके, अभी दिखा देते हैं। हाँ चल भाई, दिखा दे राजू। दिखाओ, दिखाओ। सबके सामने? हाँ हाँ, सबके सामने। आप जरा अंदर जाइए। अरे मुझसे कैसी शर्म, मैं तो तुम्हारी मामी हूँ ना। क्या 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 क्या, चल मुंह दिखा। अरे बच्चों, उधर मुंह कर लो बेटे, ये मैजिकल शो नहीं है, ये फिजिकल शो है बेटे। यही है, यही है। मिल गया। संजू, थैंक यू भगवान, थैंक यू। पता है
24 घंटे में एक टाइम ऐसा आता है जब ऊपर वाला नीचे वाले की बात फौरन मान लेता है। जानती हो मैंने भगवान से क्या मांगा? मैंने मांगा कि अगर मेरे प्यार में जरा सी भी सच्चाई है तो मेरी संजू मुझे मिल जाए। भगवान ने मेरी सुन ली और मेरी संजू मुझे मिल गई। मैं मर जाऊंगा संजू, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। अब माफ भी कर दो संजू, प्लीज मुझे माफ कर दो संजू। संजू प्लीज जाओ। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया तेरे पागलपन। अब इसे दूर करना बहुत जरूरी है। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है? मेरा नहीं, तेरा खराब हो गया है। तुझे पूरा हक है अपने आप को तकलीफ पहुंचाने का, मुझे तंग करने का, लेकिन एक मासूम लड़की को परेशान करने का तुझे कोई हक नहीं है। परेशान? मैं अपनी संजना को कैसे पर... बहुत हो गया है, अब वक्त आ गया है हकीकत से मुखातिब हो जाओ। मुखातिब? सच्चाई, सच्चाई को जान ले मेरे भाई। सच्चाई? कैसी सच्चाई? यही कि ये तेरी संजना। नहीं बहन, ये मरता है तो मरने दो। आखिर कब तक ये परेशान करता रहेगा आपको? लेकिन नहीं, इसका हकीकत से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। ये तेरी संजना नहीं है, ये ऐना है, ऐना। तेरी संजना का इंतकाल हो गया यार, वो मर चुकी है, मर चुकी है वो। क्या? तो नहीं? अरे वो गाड़ी के नीचे आके मर गई है मेरे भाई। नहीं। अरे अरे उसका अंतिम संस्कार मैंने अपने हाथों से किया यार। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। सच है, सच है, सच है। शेखर, माफ करना मेरे भाई, हकीकत बयान करना बहुत जरूरी था, मुझे माफ करना। सुनिए, क्या मैं कोई इश्क की आग में आशिक जलता रहा है, जलता रहेगा, ये तो बेचारा कब का मर चुका है, बस जी रहा है, जीता रहेगा। लेकिन क्या मैं कोई? आप जाइए, मैं से संभाल लूंगा, आप जाइए। चलो। Are you sure? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जाइए। कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। शेखर जाइए, जाइए, आप जाइए। उल्लू के पट्टे, इतनी जोर से थप्पड़ मारा। तुम तो जानते हो मैं कितना मेथड एक्टर हूँ, और उस दिन के थप्पड़ का बदला भी तो लेना चाहिए था ना। तेरी बुलाऊं क्या?